सो गाइस देख लीजिए, ये क्लिप ना मैंने कल ली थी, और मैं ये क्लिप ली थी इसलिए क्योंकि मैंने अपने राधा रानी और कान्हा जी को ना अपने बनाए हुए येलो कलर के कपड़े पहनाए हैं। देखिए, अभी कैप नहीं बनाई है, लेकिन देखिए ड्रेस कितनी सुंदर बनाई है ना मैंने, अच्छे लग रहे हैं ना। तो इसी बात पे बोलिए राधे राधे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप? आज मैं फिर से वीडियो ना शाम को शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरा फास्ट था तो मैंने कल ये पहना था कुर्ता पूजा करते टाइम, मैंने आज भी इसी को पहन लिया नहा के। तो पूरा दिन मेरा कैसे गया आज? ऐसे ही गया, टीवी भी देखते हुए, कान्हा जी की ड्रेस बनाते हुए। अभी दिखाऊंगी मैंने और भी बनाई है। और अभी मैं देख रही थी, फिल्म देख रही थी, फ्रेडी। अरे बाप रे, क्या फिल्म है! इतना इनोसेंट लग रहा है वो उसमें, और लास्ट में जो करता है, बाप रे, देखना आप एक बार, वन टाइम तो है, उसको देख सकते हैं, अच्छी लगी मुझे। और दिन में मैंने देखी थी लॉकडाउन, जो कि अभी रिलीज हुई है। तो आज मैंने दो फिल्म्स देखी। तो कभी कभी मैं ऐसा कर लेती हूँ, और कभी कभी पता क्या होता है कि मैं एक फिल्म को देखने में एक हफ्ता लगाती हूँ। थोड़ी सी देख ली, बंद कर दिया, थोड़ी सी देख ली, बंद कर दिया। तो अभी पता है आपको, मेरी एक फिल्म होल्ड पे चल रही है पिछले 3 महीने से, पृथ्वीराज, जो अक्षय कुमार की थी। तो मैंने उसको देखा 3 महीने पहले, अभी आधी रह गई है वो नहीं देखी। तो अभी शाम हो गई है, तो मैं जो है अभी क्या कर रही हूँ कि मैंने, जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने बहुत सारा परहेज किया। अभी मेरा परहेज करने का आज मन नहीं है, तो मैंने आज भिगोए हुए हैं छोले। तो आज मैं बना रही हूँ छोले, और आज फ्राइडे है तो आज मेरा राइस खाने का डे है, क्योंकि मैं राइस ना एक ही दिन खाती हूँ हफ्ते में, वो भी फ्राइडे को। और थोड़ा सा राइस और एक पूड़ी भी खानी है मुझे। तो मैं छोले उबालने रख देती हूँ। सो गाइज, फिर मैं छोले उबालने के बाद थोड़ी देर बैठ गई थी, टीवी देख रही थी और कान्हा जी की ड्रेस बना रही थी। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ, जब छोले उबल गए हैं किचन में, तो मैंने एक तरफ मसाला भूनने रखा हुआ है छोले का, और इधर मैं जो है ये आलू और ये जो मिर्ची सर्दियों में चलती है ना मोटी वाली हरी वाली, उसकी सब्जी बना रही हूँ। आज पहली बार मैंने कहीं देखा था, और वो मुझे देखने में वो इतनी अच्छी लगी थी, क्योंकि ये मिर्चें बहुत ज़्यादा चटपटी तो होती नहीं है, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा सब्ज़ी में। मैंने ऐसा सोच करना आज इसको बनाया, क्योंकि फ्रिज में ना ये मिर्चें थी 5-6। तो इधर देखिए मसाला मेरा भुन चुका है, और छोले मैं इसमें डाल दूंगी। और आज जब मैंने छोले उबाले हैं ना, तो मैंने इसमें ना आंवला नहीं डाला है, ना ही चाय की पत्ती डाली है। सो ऐसे ही सिंपल बनाने का मन था, तो अब मैं इसको ना मंदी मंदी गैस पर ना एकदम पकाऊंगी अच्छे से। यहाँ मेरे आलू जो है ना थोड़े से हो चुके हैं, और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये कटी हुई हरी मिर्चें। तो मैंने इसमें वैसे थोड़ी सी ना लाल मिर्ची भी डाली है, कभी चटपटी ना लगे सब्जी, बट हाँ बननी तो बहुत अच्छी है। और देखिए ये हो चुकी है यहाँ पे सब्जी, और अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, क्योंकि देखिए सर्दियों में तो कुछ भी खाना बनाओ, हरा धनिया ना डालो तो खुशबू नहीं आती सब्जी में से। और यहाँ पे भी मैं हरा धनिया डाल दूंगी। सब छोले जो है बहुत अच्छे से ये पक चुके हैं। हमारी चाय देखिए बन गई है शाम की, और ये देख लो आप, ये आधा किलो का जो कप है ना, ये देखिए, हो गया मम्मी, ये इस लड़की का है। अरे हो गया मम्मी। नहीं, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी लोगों को, डिटेल ब्लॉगर्स जो है ना डिटेल बताते हैं। तो ये चाय और ये लड़की, ये जन्म जन्म के साथी हैं, मतलब ये चाय नहीं पिएगी तो इसकी जिंदगी चलती नहीं है आगे। ये लड़की संडे के दिन, ये जैसे मैं संडे को ना देर से उठती हूँ, तो जब मैं उठ के आऊंगी ना बाहर, तो ये यहाँ बैठी होती है चेयर पे जहाँ मैं बैठती हूँ, मेरे बराबर में बैठती है। सुबह सुबह आंख नहीं खुली होती, इतना बड़ा कप लेके बैठी होती है चाय का। और अभी देखो सबसे ज्यादा ये खुद लेगी, और सबसे छोटे कप में मैं पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाय तो पीनी नहीं होती, जबरदस्ती इसके साथ पी लेती हूँ मैं। तो ये है लड़की एडिक्टेड। ये है एडिक्टेड लड़की, ये है एडिक्टेड लड़की चाय की। खाने के लिए बोल दो इसको, अभी खाना नहीं खाना इसको। हाँ देखो और मीठी पीती है, चीनी चीनी और डालनी इसमें। आपको कम, आप चारों को ना कम दिया मैंने, कम मीठी, कम मीठी वाली बनाई है अपने लिए, तो टेस्ट वाली। ये पीती है शरबत। तो यहाँ पे देखिए थाली लग चुकी है, इसमें थोड़ा राइस है, एक पूरी है, थोड़ी सब्जी है, और ये छोले हैं। तो आ जाइए गाइज, आप लोग भी इंजॉय करिए मेरे साथ। तो गाइज डिनर मेरा हो गया है। आपको पता है जितना एक्साइटेडली मैंने डिनर प्रिपेयर किया था ना, मैंने खाया ही नहीं, पता नहीं मेरा खाने का मन ही नहीं किया। और मैंने दिखाया आपको, लेकिन ना पता नहीं अब शायद मैं ऐसा खाना खाती नहीं हूँ, या जो भी है मेरे को अच्छा नहीं लगा। राइस मैं खाती नहीं हूँ ना, तो 2-3 स्पून खाए बस, फिर खाया ही नहीं जा रहा था, उबका ही आने लग गई थी, सच बता रही हूँ मैं आपको।
और फिर मैंने थोड़ी सा सैलेड में ना, मुझे टमाटर बहुत पसंद है तो फिर मैंने टमाटर खाया, और बस अभी मेरा पेट भर गया, पानी वानी पी लिया मैंने, मन नहीं किया खाने का पता नहीं क्यों। सो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए मैंने दो ड्रेस और बना ली है अपने राधा रानी और कान्हा जी की, एक जैसी बनाई है, देखिए देखिए। तो इनकी डोरी ने डाली है, अभी डोरी सुबह डालूंगी, बना ली है मैंने डोरियाँ भी, ये देखिए। तो अब ये सुबह डालूंगी, तो टीवी देखते देखते बैठे बैठे मैं बना रही थी, सिंपल ही बनाई, डिज़ाइन वाला नहीं बनाया, और खाना सबको बहुत अच्छा लगा, बस मुझे ही अच्छा नहीं लगा। मैं सुबह दाल दलिया बनाऊंगी, वही मुझे अच्छा लगेगा। एक्चुअली जैसा आप करने लग जाते हो ना लाइफ में, या तो रूल्स जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, या तो किसी दूसरी चीज़ को लेके कर रहे हैं, या खाने की को, या एक्सरसाइज को, या किसी से दोस्ती की, या जो भी एनी अदर्स जो भी रूल्स आप अपनाते हैं लाइफ में, तो अगर आप उससे हट के कुछ करेंगे तो शायद एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए। तो वही चीज़ मेरे साथ भी होती है अक्सर। सो सुबह मैं दाल दलिया की खिचड़ी बनाऊंगी, शायद वही मुझे अच्छी लगेगी, बिना तेल बिना घी की, हल्के नमक की, वही मुझे टेस्टी लगेगी। सो चलिए मैं कल आपसे मिलूंगी, और तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बोलते रहिए राधे राधे, हैप्पी विंटर।